Students, today in our 6th class English course, we will start second chapter. The title of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. मतलब डॉग ने अपने लिए एक नया मालिक कैसे ढूंढा. चलिए शुरू करते हैं. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. Dog एक बार की बात है, अपने खुद के मालिक खुद ही होते थे और आज़ादी से घूमते थे जैसे कि भेड़िए रहते थे. Until a dog was born who was ill pleased with the way of life. जब तक एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो इस तरीके को पसंद नहीं करता था. प्लीज़ मतलब खुशी से और इल प्लीज़ मतलब जो खुशी से इसको पसंद नहीं करता था, पसंद नहीं करता था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वांडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो ऐसे अपने आप ही घूम घूम के जंगल में परेशान हो गया था. लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. उसे खाना ढूंढना पड़ता था और अपने से स्ट्रॉन्ग एनिमल से डरना भी पड़ता था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. इसलिए उसने सोचा और ये निर्णय किया कि सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने से स्ट्रॉन्गर मालिक को ढूंढे और उसका सर्वेंट बन जाए, उसका सेवक बन जाए इस धरती पर, जिससे स्ट्रॉन्ग कोई भी ना हो. ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. वो उसी खोज में निकल पड़ा ऐसे मास्टर की और वो घूमते घूमते मिला एक अपने जान पहचान वाले से. किन्समैन मतलब जान पहचान वाला, जो कि क्या था, एक बड़ा सा भेड़िया था जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और भयानक था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. वुल्फ ने पूछा कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. कुत्ते ने कहा कि मैं किसी को अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. वुल्फ ने कहा क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम, और दोनों इस बात पर राजी हो गए. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो चलते जा रहे थे तभी वुल्फ ने अपनी नाक उठाई, उसने कुछ सूंघा और वो जल्दी से वहाँ से रास्ते से हट गया और झाड़ियों में बीच जाके छुप गया जंगल में. कुत्ता काफ़ी हैरान हो गया. What's come over you, master? और उसने कहा मालिक क्या हुआ. ही asked, What has frightened you so? किस चीज़ से तुम इतना घबरा गए हो. Can't you see? क्या तुम नहीं देख सकते. There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. और भेड़िए ने बताया, क्या तुमने नहीं देखा कि वहाँ पर एक बियर है, एक भालू है, और तुम्हें नहीं पता वो हम दोनों को खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to do be his master. और उसने फिर ये देखकर उस वुल्फ को छोड़ दिया और उसने बियर का नौकर बनना स्वीकार कर लिया ताकि वो एक स्ट्रॉन्गर मास्टर को पा सके. द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और बियर भी इस पर, जो भालू था वो भी इस बात पर राज़ी हो गया उसका मालिक बनने की बात पर. एंड सेड लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज. और भालू ने कहा कि चलो चलते हैं और किसी झुंड को ढूंढते हैं, गायों के झुंड को. आई विल किल अ काव एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. और उसने कहा कि मैं एक काव को मार दूंगा और हम दोनों फिर अपना खाना खा लेंगे. दे वॉकड ऑन एंड सून साई हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस. उन्होंने एक गाय के हर्ड को, झुंड को ढूंढ भी लिया उन्होंने देखा, और फिर वो रुक गए एक टेरिबल नॉइस से. टेरिबल मतलब भयानक, एक भयानक आवाज़ आई, उससे वो घबरा गए, रुक गए. द काउज वर मूइंग लाउडली. काउज जो थी वो मूइंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, रांब रही थी. एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और वो घबरा कर चारों दिशाओं में दौड़ रही थी. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इन टू द फॉरेस्ट. बियर ने भी पीछे खड़े होकर ये देखा और वो भी फिर बहुत हेस्टिली, बहुत जल्दबाजी में जंगल के बिल्कुल बीच में भाग खड़ा हुआ.
Now, why did I have to come here? Said he to the dog. और उसने डॉग से कहा कि अब हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? Is it the lion who rules the forest in these parts? It is the lion. और उसने कहा कि ये lion है जो इन parts में forest के rule करता है, उसी का राज चलता है. The lion, who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. उसने कहा कि lion कौन? तो बियर ने डॉग को समझाया कि जो लॉयन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है इस धरती पर. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो फिर कुत्ते ने समझा कि जब इससे शक्तिशाली शेर है तो मैं क्यों ना उसका सेवक बनूँ. फिर तो मुझे धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल का सेवक बनूंगा, तभी तो मुझे फ़ायदा होगा. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और डॉग चला गया लायन से पूछने के लिए कि क्या वो उसका मालिक बनेगा. द लायन एग्रीड टू इट, लायन राजी हो गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और वो दोनों साथ रहने लगे. डॉग ने काफ़ी बहुत दिनों तक उसकी सेवा की. इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. ऑफेंड करना होता है विरोध करना. और काफ़ी दिनों तक उन दोनों ने बड़ी अच्छी जिंदगी दी जी, कुत्ते ने भी शेर के साथ, क्योंकि उससे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर कोई था ही नहीं वहाँ पर. और कोई भी कुत्ते के साथ हिम्मत नहीं करता था उसके साथ किसी भी तरह का उसका विरोध करने का या उसको छूने का. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन एंड बेयर क्लिफ्स. क्लिफ्स होता है चट्टान, चोटी, जो कोई तीखी चोटी होती है, पहाड़ी होती है, उसको बोलते हैं क्लिफ. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, वो जा रहे थे कि तभी लॉयन अचानक से रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा, मतलब पंजे से, विद सच फोर्स मतलब बल से, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर. और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि शेर ने एक तेज़ दहाड़ मारी. उसने बहुत गुस्से में अपने पंजे को ज़मीन पर मारा, इतनी ज़ोर से मारा कि वहाँ पर एक गड्ढा हो गया. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो चुपचाप वहाँ से चलना उसने शुरू कर दिया. वट इज़ इट, ये क्या है? मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग? आस द डॉग सरप्राइज. डॉग ने सरप्राइज होकर पूछा कि मालिक क्या कुछ है यहाँ पर ऐसा? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. और शेर ने बताया कि मैंने एक आदमी की स्मेल को, एक आदमी की गंध को सूंघा है यहाँ पर, वो यहाँ पर आ रहा है और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं. ओ वेल देन आई विल से यू गुड बाय टू यू लायन, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. फिर कुत्ते ने कहा तो फिर मैं तुम्हारा सेवक क्यों बनूँ? अगर इंसान तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो फिर मैं उसका ही सेवक बनूँगा. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और उसके बाद कुत्ते ने आदमी का सेवक बनना स्वीकार कर लिया. ये बहुत पुराने समय की बात है और तब से कुत्ता जो है वो आदमी का सबसे वफादार सेवक है और वो किसी दूसरे मालिक को इंसान के अलावा नहीं जानता. तो ये एक पुरानी दंत कथा थी जिससे हमें पता चला कि आदमी का रिश्ता इंसान से कैसे इतना अच्छा बना है. थैंक यू.